गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीके कॉम्पिटिशन जीके का जीके जो जनरल नॉलेज की चैप्टर 4 है आज। ये आपका कॉम्पिटिशन के लिए, जैसे एग्जाम लिखने वाले जो होता है, पुलिस टेस्ट है, ऐसे ही पीएससी क्वेश्चंस, ये सब के लिए बहुत हेल्प करेगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए जैसे सीएचएस का तैयारी करने वाले हैं, ऐसे जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले को बहुत हेल्प करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं आज, तो उसमें ऑप्शन की 7 तक दिए क्वेश्चन और उसने 7 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन में से हम कौन सी आंसर सही है उसी को सेलेक्ट करें। कैसे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, When was the camera invented? कैमरा की आविष्कार कब हुआ है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट 1716, 1826, 1916 एंड 1816। इसमें से सही आंसर कौन सी आंसर सही है? देखिए इसमें ये 4 ऑप्शन से राइट आंसर यही है, डी 1816 में कैमरा की आविष्कार हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इज द लार्जेस्ट इन इंडिया? इंडिया में से सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है? ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। इसमें की सही आंसर सी है, ऑप्शन सी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ रजिया सुल्ताना? रजिया सुल्ताना का रूलिंग पीरियड कौन सा है? रजिया सुल्ताना मीन्स इंडिया की सुल्तानेट पीरियड की एक लेडी इंडिया की शासन किए हैं। बस केवल सुल्तानेट पीरियड में एक मीन्स मुस्लिम रूलिंग पीरियड में एक ही लेडीज इंडिया की शासन किए थे, वही रजिया सुल्ताना। और इनकी टाइम कौन सी पीरियड, मतलब कितनी साल, 4 साल शासन किए थे, 1236 to 1240, 1230 to 1236 और 1218 to 1224। इसमें राइट आंसर ए ही है, 1236 to 1240। Then, where is Zalim Ali National Park located? जलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसमें की राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर है, जलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। देन वेयर इज द पिरामिड ऑफ कुफू प्रेजेंट? पिरामिड कहाँ है, किस देश में है? इजिप्ट, रोम, सिडनी, कोलंबो। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन ए है, इजिप्त। देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का फादर कौन है? ऑप्शन में न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन बी आर्किमिडीज है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम का बुक की राइटर कौन है? ऑप्शन में प्रेमचंद, कालिदास, अरुंधति रॉय, विनोबा भावे। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। देन क्वेश्चन नंबर 8, ताइक्वांडो इज फ्रॉम विच कंट्री? ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, ये किस कंट्री से शुरू किया है, तो किस कंट्री से है? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया। इसमें की राइट आंसर है ऑप्शन डी कोरिया। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसका बुक है? ये ऑप्शन महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की आत्मा बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है ये, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। इस सेवन कॉन्टिनेंट में से सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, सऊदी अरब। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल नेवर कंज्यूम्स वाटर एट ऑल। कौन सी जो जानवर है, नहीं तो कौन सा जीव है, अपने जीवन में पानी कभी पीते नहीं है, कभी भी पानी के यूज नहीं करते, मतलब पानी पीता नहीं। ऑप्शन कैमल, रैट, कंगारू रैट, रैबिट। इसमें क्या राइट आंसर ऑप्शन सी कंगारू रैट। कंगारू रैट अपने जीवन में पानी नहीं पीते हैं। विच देन क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन। सबसे रोटेशन के लिए मींस प्लैनेट्स को टू टाइप ऑफ मोशन होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन मींस अपने आप को चक्कर करते हैं, मींस अपने आप घूमते हैं, और रेवोल्यूशन मींस सूरज को चक्कर लगाते हैं। तो उसमें रोटेशन रोटेशन के लिए सबसे ज्यादा टाइम कौन सी प्लैनेट का लगता है? इसमें ऑप्शन देखिए मरकुरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। इसकी राइट आंसर वीनस है, डी। इनकी एक बार रोटेशन करने को रेवोल्यूशन से भी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब एक बार सूरज को चक्कर लगाने से भी ज्यादा टाइम लगता है एक बार अपने आप को चक्कर लगाने का। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच मेटल इज फाउंड अर्थ कोर। अर्थ के कोर में कौन सी मेटल पाया जाता है? हमें हमारा अर्थ को तीन भाग डिवाइड करते हैं, ये तीन अंदर की सबसे ऊपर वाले भाग को सॉलिड जो पार्ट होता है, और इसके बाद सेकंड पार्ट है सबसे अंदर की पार्ट है कोर। और ये कोर में कौन सी मेटल पाया जाता है? कोर में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आयरन है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज ए सॉफ्ट मेटल। इसमें कौन सी मेटल है सॉफ्ट मेटल बोला जाता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मर्क्यूरी, ऑप्शन डी गोल्ड। इसमें की राइट आंसर है ऑप्शन डी गोल्ड। हाउ मेनी स्टार्स आर द डस द फ्लैग ऑफ चाइना हा। चाइना की नेशनल फ्लैग में कितनी स्टार्स है? 4, 7, 6 एंड 5। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन डी 5। देन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी वॉर्स हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट सिंस पार्टीशन। पार्टीशन के इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद इनके ये दोनों कंट्री के बीच में कितनी बार वार हुआ है? 3, 5, 4, 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 4, 4 बार। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड। इंडिया की पहले नेशनल पार्क कब स्थापना हुआ? 1836, 1836, 1936, 1936। इसमें का राइट आंसर ऑप्शन सी 1936। और हेलीस नेशनल पार्क कहते थे, और फिर बाद में इसकी नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज रिटन ह्यूमयुन्नामा। ह्यूमयुन्नामा नाम का बुक कौन लिखा है? प्रेमचंद, गुलबर्धन बेगम, समीरा अहमद, अलिशिया। और इसमें की राइट आंसर है ऑप्शन बी गुलबर्धन बेगम। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इसमें कौन सी स्टेट में द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल एक चिड़िया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? केरला, नागालैंड, मिजोरम, ओडिशा। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन बी नागालैंड।
देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ हंगरी? हंगरी की नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? वाटर पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल. इसमें के आंसर ऑप्शन ए वाटर पोलो. देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टार? अब तक यूनिवर्स में जो फाइंड किया था सबसे बड़े स्टार कौन सा है? युवा स्फूर्ति, ओरियन, एरिस, सीरियस. और इसमें के राइट आंसर है युवा स्फूर्ति. युवा स्फूर्ति है सबसे बड़े स्टार. देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम बाय मास एंड साइज? सोलर सिस्टम में की सबसे बड़े ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये जुपिटर, सन, सैटर्न, मून. इसमें के राइट आंसर ऑप्शन बी सन है. सबसे बड़े ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में की सबसे बड़े ऑब्जेक्ट पूछेगा तो सन है, और सबसे बड़े प्लैनेट पूछेगा तब जुपिटर है. Who is known as the saint of the gutters? गरीबों की सेंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, मदर तेरेसा, कल्पना चावला. इसमें के राइट आंसर है ऑप्शन सी मदर तेरेसा. देन क्वेश्चन नंबर 24, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? इंडिया की सबसे छोटे स्टेट बिहार, केरला, गोवा, पंजाब. इसमें के राइट आंसर ऑप्शन सी गोवा. द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज द हीराकुड डैम, तहरी डैम, सरदार सरोवर और बकरा नगर डैम. इसमें राइट आंसर हाईएस्ट डैम सबसे ऊंचा डैम ऑप्शन बी तहरी डैम. देन क्वेश्चन नंबर 26, हु इन्वेंटेड बॉल पेन? बॉल पेन की आविष्कार कौन किया है? विलियम हार्वी, जॉन लाउड, रुडोल्फ डीसल, वोल्टर. इसमें राइट आंसर जॉन लाउड. क्वेश्चन नंबर 27, हु इन्वेंटेड एयर कंडीशनर? एयर कंडीशनर की आविष्कार कौन किया है? विल्स कारियर, फेलिक्स होफमैन, एंडर सेल्सियस, कार्ल बेंस. राइट आंसर विल्स कारियर. विल्स कारियर. देन क्वेश्चन नंबर 28, Who invented radio? रेडियो की आविष्कार कौन किया है? मार्कोनी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट फॉल्टन, एलियास हॉव. इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए मार्कोनी. ये तो गुग्लिमो मार्कोनी है. गुग्लिमो मार्कोनी, कभी 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 जी मार्कोनी भी लिखा जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 29, Who invented refrigerator? रेफ्रिजरेटर की आविष्कार कौन किया है? जेकब पर्किंस, विलियम कुलन, कार्ल बेंस एंड गैलीलियो. इसमें रेफ्रिजरेटर की आविष्कार जेकब पर्किंस ने किया है. जेकब पर्किंस राइट आंसर. लेकिन इसमें रेफ्रिजरेशन जो पहली बार रेफ्रिजरेशन की टेक्निक जो निकाले हैं और ये विलियम कुलन है. विलियम. Then when is National Youth Day celebrated? National Youth Day किस दिन मनाया जाता है? 21st June, 12th January, 5 June और 21st May. इसमें right answer B, option B है 12th January. Question number 31, when is National Women's Day celebrated in India? India में National Women's Day किस दिन मनाया जाता है? 13 March, 13 February, 10th August and 10th September. इसमें right answer option B, 13th February. Question number 32, who is the author of the book Gita Govind? Gita Govind का writer named author कौन है? Jayadev, Kalidas, Aman Singh and Surdas. इसमें right answer option A, Jayadev. Then question number 33, who is the author of the book Panchtantra? Panchtantra book story, जो Panchtantra stories कौन लिखा है? प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा, कबीर दास, रस्किन. देन इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णु शर्मा.
क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोदान। गोदान बुक कौन किसने लिखा है? देखिए ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, वेदव्यास, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास। इसमें राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। देन क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। मेघदूत की ऑथर राइटर कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी कालिदास। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट। साल्ट की केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl और SaL2, NaCl, CaCO3। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी NaCl, सोडियम क्लोराइड। देन 37, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला इसमें कौन सा है? C12H22O11, C6H12O6, CaCOH HCl। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी C6H12O6। देन हाउ मेनी वेदास आर देयर। कितना वेदास होता है? कितना है? 4, 5, 3, 2। राइट आंसर 4 वेदास। हम लोग 4 वेदास के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जैसे 4 वेदास। चार। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच फेस्टिवल इज रिलेटेड द बर्थ ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। लॉर्ड श्री कृष्णा की जन्मदिन किस बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड कौन सी फेस्टिवल मनाया जाता है? रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली, मकर संक्रांति। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जन्माष्टमी। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द प्लूरल ऑफ लाइफ। लाइफ जो वर्ड है, नाउन है, ये नाउन की प्लूरल क्या है? इसमें LIFES, LIVES, LIVIES, LIFISS। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी LIVES, लाइव्स। देन 41, विच इज द फीमेल ऑफ डॉग। डॉग के फीमेल क्या है? मतलब फेमिनिन जेंडर क्या है? मेयर, बिच, काफ, विक्सन। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी विक्सन। विच कंट्री होस्टेड द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023 की क्रिकेट वर्ल्ड कप की किस देश में हुआ था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए इंडिया। देन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज नेवर वॉन द टी20 वर्ल्ड कप। इसमें कौन सी कंट्री है अभी एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी नहीं तो ये एक बार भी जीते नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ मेडल्स विंस नीरज चोपड़ा एट ओलंपिक्स गेम 2024। इस बार की 2024 के ओलंपिक गेम में नीरज चोपड़ा ने को कौन सी मेडल मिला है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी एंड राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर। एंड क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द रोमन नंबर ऑफ 50। रोमन नंबर ऑफ 50 के लिए इसमें कौन सी सिंबल यूज करते हैं? ए, सी और इसमें ऑप्शन बी एक्स 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 और एल एम। इसमें कौन सा है राइट आंसर? ऑप्शन सी एल। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2। इसमें कौन सी सही है? 0.5, बोथ आर इक्वल, 1/2, नन ऑफ दिस। इसमें की राइट आंसर ऑप्शन बी बोथ आर इक्वल है। 0.5 बोलेगा,
वन बाई टू बोलेगा दोनों इक्वल है, मतलब दोनों हाफ है। 0.5 भी मीन्स हाफ होता है, 1/2 मीन्स वो भी हाफ। देन 47, व्हेन वाज द गूगल सर्च इंजिन फाउंडेड, गूगल सर्च इंजिन के आविष्कार कब हुआ है? 1992, 1996, 1994, 1998. इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी 1998। वेयर इज रत्तंबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड, रत्तंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, असम। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। देन 49, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम में की सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, मर्कुरी, वीनस। इसमें आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी वीनस। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम में की सबसे बड़े प्लैनेट कौन सा है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जुपिटर। ओके, इतनी 50 क्वेश्चंस है, आप लोगों को कॉपी पे लिखिए और इसको अच्छे से लर्न करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपके दोस्तों को, दूसरों लोगों को, कजिन्स को सब शेयर करिए।